हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम पर कंपेयर करने वाले हैं iPhone 10 वर्सेस iPhone 13 Pro। नो डाउट मेरा ये कवर काफ़ी गंदा हो रखा है, आई एम सॉरी, अभी इसे रिमूव कर देते हैं। मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ iPhone 10 को iPhone 13 Pro के साथ। नो डाउट गाइज, कंपेरिजन कोई बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जो है 13 Pro में क्या कमियाँ लगी, जो कि मैंने 3 साल iPhone 10 यूज़ किया है उसमें मुझे क्या बेहतर चीज़ें लगी थी। गाइज़, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है 13 Pro में इम्प्रूवड हैं, काफ़ी सारी क्या बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवड हैं, लेकिन iPhone 10 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि Apple अपने अगले डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है अभी तक, जो कि Apple iPhone 10 में उसने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं। तो सबसे पहली चीज़ गाइज, iPhone 13 Pro बहुत ही स्मूथ है iPhone 10 के मुकाबले। यहाँ पर जैसे कि आपने मेरे चैनल के, अगर आप जो मेरे यूज़र्स या व्यूवर्स मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मेरे पास जो मेरा प्राइमरी डिवाइस था, सो सबसे पहले iPhone 6s था 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैंने iPhone 10 के ऊपर शिफ्ट किया और अब मैंने iPhone 13 Pro के ऊपर शिफ्ट किया है, जो मेरे प्राइमरी डिवाइसेज हैं, जो कि मैंने अपने, मेरी सिम कार्ड रहती है पर्सनल। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो iPhone 13 Pro में नो सिम कार्ड शो करवा कर iPhone 10 में जियो मेरी सिम कार्ड शो करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो है iPhone 10 में अपना जो है सिम कार्ड इंस्टॉल किया है। मुझे जो है 10 की काफ़ी एक तरह से याद टाइप आ रही थी, या फिर आई मीन इससे मैं मिस कर रहा था अपने डिवाइस को, क्योंकि यूजेज कम हो जाती है डेली रूटीन में कि अब हम जो है अपने प्राइमरी डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो गाइज, एक तरह से मुझे थोड़ी याद टाइप आ रही थी, तो मैंने जस्ट सोचा कि क्यों ना iPhone 10 के ऊपर वापस बैक जस्ट कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया जाए और लेट्स सी कि क्या इम्प्रूवमेंट या क्या फीचर्स हमें मिस करते हैं iPhone 10 में जो 13 Pro में हैं। सो सबसे पहली चीज़ गाइज, iPhone 10 में क्या खासियत है? सबसे पहली चीज़ गाइज, iPhone 10 की जो शेप है, जो iPhone 10 का साइज़ है, जो iPhone 10 की विड्थ या ब्रेड्थ या इसकी जो मोटाई है, वो इतनी परफेक्ट है कि मेरे हाथ में ये आते मुझे इतनी इन हैंड फील सही लगी इसकी, कि गाइज 13 Pro के मुकाबले iPhone 10 जो है वो मुझे ज़्यादा सही लगा इन हैंड फील के मुकाबले, इन हैंड फील के मुकाबले। और जो iPhone 13 Pro है वो iPhone 10 से काफ़ी भारी है, जिसके कारण एक अलग से थोड़ा भार उठाना पड़ता है, जो कि iPhone 13 Pro में नो डाउट iPhone 13 Pro में सही है, लेकिन जब मैं 10 पे ऊपर शिफ्ट हुआ तो बड़ी रिलैक्स वाली फीलिंग आई कि हाँ, कोई डिवाइस पकड़ा है जो नॉर्मली सही है हाथ में पकड़ने में। एंड सेकेंडली गाइज, आप देख सकते हैं मुझे डिफरेंस क्या दिखा कि iPhone 10 की जो डिस्प्ले है, जब मैं iPhone 10 के ऊपर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि iPhone जो है वो लैग कर रहा है, हैंग हो रहा है। वो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो iPhone 13 Pro की डिस्प्ले है वो ProMotion डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ वाली, लेकिन जब मैंने जस्ट एकदम से बैक शिफ्ट किया 60 हर्ट्ज़ पर, सो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं iPhone की स्पीड कम हो गई है, लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है। मैंने गाइस कम से कम 3-4 बार अपना iPhone रीस्टार्ट किया, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया कि iPhone 10 की जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज़ की है, जिसके कारण मुझे इतना सही रिफ्रेश रेट नहीं मिल पाएगा जो कि iPhone 13 Pro में है। ध्यान रखो कि iPhone 13 Pro की जो डिस्प्ले है वो ProMotion है, और 13 Pro Max वाली भी ProMotion वाली है, लेकिन जो सिर्फ 13 है उसकी भी 60 हर्ट्ज़ वाली है। सेकेंडली गाइज, मुझे कमी iPhone 10 में क्या देखने को मिली कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 13 Pro से काफ़ी डिग्रेडेड है, काफ़ी कम है। iPhone 13 Pro को मैं सुबह वंस एक बार 80% कर दूं तो मेरा बड़े आराम से रात तक 9-10 बजे तक 30-35 आ जाएगा, वो भी हैवी यूजेज के बाद में भी, वाईफाई में भी और डेटा कनेक्शन में भी। लेकिन गाइज, iPhone 10 में मेरी जो बैटरी हेल्थ है वो 82% है, लेकिन iPhone 13 Pro में मेरी 100% बैटरी हेल्थ है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए iPhone 10 को मैं कम से कम दिन में अगर नॉर्मल यूज करूँ तो 3 बार चार्ज करना पड़ता है, और यूजली अगर मैं 2-3 घंटे मैक्स फ़ोन को चला लूँ तो मेरा फ़ोन जो है 80-30% के ऊपर आ जाएगा। और आप इसकी, मतलब नॉर्मली आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी बैटरी लाइफ हमें जो है इम्प्रूव दिख रही है एप्पल की तरफ से, iPhone 13 Pro में कितना इसका बैटरी बैकअप इम्प्रूव किया गया है। एंड सेकेंडली गाइज, नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, जो परफॉर्मेंस है ना वो iPhone 13 Pro की कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलता, लेकिन iPhone 10 में ऐसा है। iPhone 10 थोड़ा थोड़ा हीट कर रहा है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला गया है नॉर्थ इंडिया में। एंड गाइज, iPhone 13 Pro हीट हुआ दिखता ही नहीं है, लेकिन iPhone 10 तो है तपने लगता है पॉकेट में पड़ा पड़ा भी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आपने ब्लैक पैंटियाँ पहनी हुई है तो आप सनलाइट में कहीं पे भी खड़े हो 2-3 मिनट तक, तो आपका iPhone 10 अंदर ही अंदर हीट हो जाएगा और आपकी बैटरी हेल्थ को डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा। सो सेकेंडली, नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, जो iPhone 10 में मुझे कमी लगी है वो है इसका ऊपर वाला स्पीकर। गाइज, नो डाउट इसके जो लाउड स्पीकर है रिंगटोन में या गाने सुनने में तो बड़ा सही है, लेकिन जब कॉल आती है सो कॉलिंग में हमें जो है ये स्पीकर बहुत ही निराश करता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आदत पड़ गई थी 13 Pro के स्पीकर की आवाज़ की। सो iPhone 10 का जो
स्पीकर है उससे हाफ ऑफ दी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। और बाकी नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ गाइस, आईफोन 10 में मुझे एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी है वो है इसका हैप्टिक्स। गाइस इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है वो सारे के सारे डिवाइसेस से ज़्यादा बढ़िया है। आई मीन टू से कि जो डिवाइसेस आईफोन 10 और आईफोन 10s है वो इनकी जो हैप्टिक्स है ना वो ज़्यादा बेहतर हैं आईफोन 13 प्रो के मुकाबले भी। मतलब इसकी जो वाइब्रेशन है ना वो ज़्यादा बेहतरीन है। कोई निकी निकी चीज़ों में जैसे कि मैं वॉल्यूम प्लस बटन दबा रहा हूँ सो मुझे ये जो हैप्टिक्स मिल रहे हैं वो इस डिवाइस के मुकाबले इसके ज़्यादा बढ़िया हैं। एंड सेकेंडली गाइज, अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ कि यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूँ ऐप ओपनिंग स्पीड है या फिर परफॉर्मेंस वाइज वो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा इन द सेंस भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आईफोन 10 पीछे पड़ रहा है। आपको कोई भाग कर ट्रेन नहीं पकड़नी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक सेकंड लेट भी खुल रही है सो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि जब आप नया नया आईफोन 13 प्रो से 10 पे शिफ्ट करोगे सो आपको जो है जो डिस्प्ले का सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ थी लेकिन आईफोन 10 की इतनी स्मूथ नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज इतना कुछ भी फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। और स्पीकर क्वालिटी नॉर्मली गाने वगैरह में बहुत ही सही है। कैमरा में अगर हम बात करें तो नो डाउट गाइस कैमरा क्वालिटी में फ़र्क दिखेगा सिर्फ लो लाइट कंडीशंस में। लो लाइट कंडीशंस में आईफोन 10 का जो सेल्फी कैमरा है बहुत ही ख़राब है। हेलो गाइस, और आपको जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेके चलना है कि आईफोन 10 जो है कैमरा थोड़ा सा पीछे पड़ रहा है 13 प्रो के मुकाबले। बाकी अगर आप दूसरे डिवाइसेस की को कंपेयर करोगे सो नो डाउट इतना भी लैग बिहाइंड नहीं करेगा जितना कि आईफोन 10 कर रहा है। सो गाइस मुझे ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम दिखी। और लास्ट में अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ सो आईफोन 13 में प्रो में मुझे बहुत ही सही नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सही। लेकिन आईफोन 10 में मुझे इतने भी बेहतरीन नहीं मिले। मतलब जितने 5G फ़ोन में हमें जो है सिम कार्ड के नेटवर्क्स मिल रहे हैं उतने आईफोन 10 में इतने सही नहीं हैं। नो डाउट्स एप्पल ने इम्प्रूवमेंट्स की हैं इसीलिए मैं जो है आईफोन 13 प्रो की तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आईफोन 10 की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा या मैं इसको पीछे छोटा नहीं बोल रहा, बहुत ही सही डिवाइस है। इसकी जो इन हैंड फील है बहुत प्रीमियम वाली है। बैक से आप देख सकते हो डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और बड़ा सही मतलब शानदार फ़ोन है, इसकी कोई कमी नहीं है। जस्ट ये है कि इसके जो है ये 3 से 4 साल पुराना फ़ोन है और ये लेटेस्ट फ़ोन है, बस इतना फ़र्क है। बाकी जो भी इस डिवाइस को बाय करने जाएगा लैग बिहाइंड नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा तो आप करते नहीं हो कि पहले आप 13 प्रो लेते हो फिर आप आईफोन 10 लेते हो। आप नॉर्मली आईफोन 10 से जंप ही करते हो क्योंकि ऑलमोस्ट हम एक तरह से अपने लाइफ में इंक्रीज़ ही अपने आप को करते हैं। सो आपको ये चीज़ जो है अगर आप आईफोन 7 या 8 से बढ़ रहे हैं दूसरे डिवाइस की तरफ सो आईफोन 10 आपको कभी भी निराश नहीं करने वाला अगर आपकी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल हैं, जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी और फेस आईडी चलती रहनी चाहिए। सो आई होप गाइज आपको ये जो कंपैरिजन है जो रियल लाइफ के कंपैरिजन है वो मैं आपको बताने में सक्षम रहूँगा, आपको ये काफ़ी जेन्युइन लगे होंगे ये जो मेरे आंसर्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज।